नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हो, यात्री हो, भक्तगण हो या जन सामान्य लोग हो, ऐसे लोगों को अब सरकार ने जो बाहर भेजने का इंतज़ाम किया है, उसके चलते आज मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे से हमने मुलाकात की। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह की तैयारियाँ और किस तरह के इंतज़ाम ऐसे लोगों को बाहर भेजने के लिए किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, संक्षिप्त में पूरे तफसील से जानते हैं कि क्या कहना है मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे का बाहर जाने के मुद्दे को लेकर। कोरोना वायरस के चलते हुए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने लॉकडाउन जारी किया है। उस लॉकडाउन के कारण मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में पर्यटक हो, मजदूर हो या अन्य कोई व्यक्ति जो यहाँ फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में, अपने गांव में जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऑर्डर पास किए हैं और उस ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी ऑर्डर पास किए हैं और उस ऑर्डर के तहत एक ऑनलाइन लिंक दी गई है। उस ऑनलाइन लिंक पर ही संबंधित व्यक्तियों ने जो जाने के लिए जो विलिंग है, उन्होंने वहाँ ऑनलाइन पर उस लिंक पे जाके अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके साथ ही उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना है कि वो इन्फ्लुएंजा टाइप कोई सिम्टम उनमें नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने वहाँ अप्लाई करना है। फिर जो व्यक्ति अप्लाई करेंगे और जो व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे, उन्हीं व्यक्तियों को कलेक्टर ऑफिस से ई पास दिया जाएगा। इस ई पास से वो अपने कोई भी प्राइवेट व्हीकल से अपने राज्य, अपने जिला या अपने गांव जा सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का कुछ गुट अगर एक साथ मिलके कोई बस या कोई प्राइवेट व्हीकल अरेंज करते हैं तो उन्हें भी उस तरह की परमिशन दी जाएगी। अगर कोई एक ही ज़िले सब कोई अदर स्टेट के कोई एक ही ज़िले में 1200 व्यक्ति का समूह अगर जा रहा है तो, और उन व्यक्तियों ने अगर रेलवे से जाने के लिए इच्छा प्रदर्शित की है तो उनके इच्छा के अनुसार उनको रेलवे की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी, लेकिन उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस जो खर्चा है, ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, वो उन्हें बियर करना पड़ेगा। सर, जैसा आपने बताया कि जो इन्फ्लुएंजा सर्टिफिकेट, ये इस बारे में थोड़ा डीपली बताइए कि जो पैसेंजर है जिसको कहीं पर जाना है, उसको जो सर्टिफिकेट लेना है, तो किस तरह का सर्टिफिकेट लेना है और उसको कहाँ से हासिल करना है? हमारे महानगर पालिका के सभी हॉस्पिटल, सभी क्लिनिक, हेल्थ पोस्ट, यहाँ पर सभी मेडिकल टीम को निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति आती है तो उनका डिटेल चेकअप करके, और स्पेशली इन्फ्लुएंजा ये डिसीज़ के कोई सिम्टम उनमें दिखते हैं क्या, ऐसी उस तरीके से चेकअप करके उन्हें वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना है। मनपा के क्लिनिक या मनपा के डॉक्टर के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी प्राइवेट डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे RMP बोलते हैं, उनसे भी इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट देने के दौरान महानगर पालिका सहायता कर रही है, और दूसरी कौन सी सहायता महानगर पालिका द्वारा दी जा रही है ऐसे लोगों को जो बाहर जाने के जो इच्छुक है, जो फंसे हुए हैं? अभी मैंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, ई पास उसके ऑनलाइन जरिए उनको ई पास दिया जाएगा, और ये सभी प्रक्रिया का कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने एक सिटी इंजीनियर श्रीमान बारकुन को नोडल ऑफिसर, महानगर पालिका की तरफ से नोडल ऑफिसर करके अपॉइंट किया है, वो इस सभी प्रक्रिया का कोऑर्डिनेशन करेंगे। सर, इस एक ये भी ऐसी जानकारी है कि जो
कंटेनमेंट जोन जो परिसर है वहाँ के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, इस बारे में कुछ क्या है जरा साफ क्या बताइए। जो पॉजिटिव पेशेंट जहाँ जिस एरिया में पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर की कोई भी व्यक्ति को इस तरह की परमिशन नहीं मिलेगी। ये थे मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में कहीं पर भी डेटा कलेक्ट करने का काम नहीं किया जा रहा है। जिन यात्रियों को, जिन मजदूरों को, जिन लोगों को अपने गंतव्य स्थान, अपने डेस्टिनेशन, अपने मूल गांव जाना है, उन सभी व्यक्तियों को महाराष्ट्र पुलिस की जो ये लिंक दी गई है, इस लिंक पर ही क्लिक करके ये फॉर्म फिलअप करना है और इस फॉर्म के माध्यम से ही आगे की उनकी प्रोसीजर की जाएगी। चलते चलते मैं आप सबको ये भी बता दूं कि एक व्यक्ति के पास में मान लो अगर 10 से 15 लोग हैं या 50 लोग हैं काम करते हैं, चाहे फिर वो बिल्डर हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, तो उस कंपनी के संचालक, डायरेक्टर या मालिक को एक ही फॉर्म पर सभी लोगों का मेंशन करना है, और अगर वो अपने तरह से उन सभी लोगों को बाहर भेजने में सक्षम हैं, एक ही गाड़ी में भेजने में सक्षम हैं, तो उसकी सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग अपना निजी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं उन लोगों को भी ई पास मिलने के बाद में और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद में यहाँ से रवाना किया जाएगा। इस पूरे मामले में और जो भी नई अपडेट रहेगी हम आप तक जल्द से जल्द और ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर साबिर शेख के साथ, धन्यवाद।